हम ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे निकालते हैं? साइक्लिक मॉलिक्यूल दो प्रकार के होंगे, तो उसमें आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब जो साइक्लिक मॉलिक्यूल होते हैं वहां पर हम ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे निकालते हैं? साइक्लिक मॉलिक्यूल दो प्रकार के होंगे, साइक्लिक मॉलिक्यूल आज तो खत्म कर लेते हैं, चैप्टर एक्स्ट्रा क्लास बुलाया जाए तो जरूर आया करें आप लोग, पांच चैप्टर ही आपको पढ़ने हैं, मैक्सिमम पांच चैप्टर, 95-90% ऑफ ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगी, जीओसी आइसोमेरिज्म हाइड्रोकार्बन हैलोजन डेरिवेटिव्स ये तीन है, और साथ में आईयूपीएसी नेमिंग तो आपको आती है ना, तो ये पांच चैप्टर के बाद ऑर्गेनिक में कुछ बचता नहीं है, फिर ऑर्गेनिक में बहुत आराम से 100% सॉल्व कर लेंगे आप क्वेश्चंस, तो पांच ही ढंग से पढ़ने हैं। साइक्लिक मॉलिक्यूल दो प्रकार के होंगे, एक वो मॉलिक्यूल होगा जिसमें दो ही ग्रुप अटैच होगा, एक वो मॉलिक्यूल होगा जिसमें दो ही ग्रुप अटैच होगा, दो ग्रुप अटैच होगा, जैसे एक मिथाइल हो गया एक मिथाइल, और एक वो मॉलिक्यूल होगा जिसमें दो से ज्यादा ग्रुप अटैच हो। तो ये इसको बताने का तरीका आपको बताऊं, दो तरीका, ऐसे केसेस में साइक्लिक मॉलिक्यूल में आपको इनके सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने, मेक ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑप्टिकली क्या होंगे एक्टिव, उसके दो आइसोमर्स होंगे, एक वो खुद होगा, दूसरा क्या होगा उसका, तो दूसरा उसका मिरर इमेज होगा, जैसे जो खुद अगर डेक्स्ट्रो होगा तो मिरर इमेज हमेशा क्या होगा लीवो, सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अच्छा या ट्रू काइडल कार्बन है, यहाँ पर आप चाहे तो फार्मूला भी लगा के बता सकते हैं, ये दोनों काइडल दो ही अगर ग्रुप अलग अलग हैं तो यहाँ पर फार्मूला भी आप लगा सकते हैं, एक मिथाइल है किथाइल एक क्लोरीन, यहाँ पर आपका फार्मूला वैलिड है, यहाँ पर फार्मूला क्या है बताओ वैलिड, जैसे ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स है और यहाँ पर दो काइडल कार्बन प्रेजेंट है, सिमेट्रिकल वाला फार्मूला निकाल के आप निकालेंगे तो हो जाएगा, ये अनसिमेट्रिकल है तो अनसिमेट्रिकल वाला फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स 2 के पावर 2 होगा, टोटल आइसोमर्स 4 होंगे, सभी ऑप्टिकली क्या होंगे एक्टिव होंगे, तो यहाँ पर फार्मूला वैलिड होता है, जब दो ही ग्रुप लगा होता है तो फार्मूला वैलिड होता है, लेकिन अगर दो से ज्यादा ग्रुप लगा होता है तो फार्मूला वैलिड नहीं होता, अब फार्मूला से नहीं लगा सकते, यहाँ से फार्मूला से निकालेंगे तो हो जाएगा, लेकिन हम फार्मूला को भूल जाते हैं, क्या चीज वही फार्मूला आप लगाओ ना जो इसमें काइडल कार्बन वाला है ना, काइडल कार्बन देखिए बता दो, जैसे आप मुझे बताएं कौन सा, ये सिमेट्रिकल है ना और यहाँ एनिशल टू क्या है दो है, तो इवन नंबर वाला फार्मूला लगा दो, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर इक्वल टू 2 के पावर n माइनस 1 और न्यू आइसोमर इक्वल टू 2 के पावर n बाई 2 माइनस 1 ये निकाल लो हो जाएगा आपका, इसमें ऑप्टिकली एक्टिव फार्मूला हो जाएगा, कंफ्यूज मत हो बेटा, ये n इक्वल टू क्या यहाँ पर दो है, यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव इक्वल टू 2 के पावर 2 चार आइसोमर, न्यू यहाँ 0 होंगे, ये फार्मूला, लेकिन फार्मूला एक ट्रिक होता है, अगर आप चाहें तो फार्मूले को इग्नोर भी कर सकते, जरूरत नहीं फार्मूले की, तो हम इग्नोर करके काम करें क्या, इग्नोर करके काम करें, किसी भी मॉलिक्यूल को आपको जीआई बताने हैं, सॉरी स्टीरियो आइसोमर्स बनाने हैं, तो आप तरीका स्टीरियो आइसोमर इन साइक्लिक मॉलिक्यूल, पहला मेक, एक्चुअली क्या है कि आपने पहले वो सब ट्रिक्स पढ़ रखे हैं फार्मूले, और वो ट्रिक्स कुछ जगहों पर यूज होते हैं, टीचर उस जगहों पर यूज करके निकाल लेता, लेकिन जैसे उस पिक के अलावा क्वेश्चन देते हैं आप तो बोलते तो मेरा पूरा कंसेप्ट खराब हो गया, टीचर ही गड़बड़े है ना, क्योंकि इस तो जो हम निकाल लेते थे हम निकाल नहीं पाए, परंतु एग्जाम में क्वेश्चन आपके हिसाब से नहीं आएगा कभी भी, है ना, तो मेक ऑल द ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, पहला ऑल दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स विच आर ऑप्टिकली एक्टिव विल एग्जिस्ट इन टू स्टीरियो आइसोमर्स, पहले आपको क्या करना है सारे जीआई बनाने हैं, इसके बाद ऑल ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स विच आर ऑप्टिकली एक्टिव विल एग्जिस्ट इन टू स्टीरियो आइसोमर्स, बस खत्म कहानी, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कहें तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, चलो एक एक करके करते हैं, फर्स्ट ये मैंने यहाँ पे लगा दिया मिथाइल, इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, दो एक सिस, एक दोनों मिथाइल को सेम दिशा में कर दें, बोलो बेटा एक दोनों मिथाइल को क्रॉस कर, दो जी आई इसके होंगे, इसमें कौन ऑप्टिकली एक्टिव, अब चेक करें ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री, यहाँ पर बताएं प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं बेटा, बीच से काटोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऑप्टिकली एक्टिव की इनएक्टिव, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, यही मीज़ो कहलाएगा फ्यूचर में, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं चेक करो, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता क्योंकि सेंटर सीधा जाएंगे तो मिथाइल इधर मिथाइल नहीं है, तो यहाँ पर पीओएस और सीओएस दोनों ही नहीं है, ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, बोलो एक्टिव, सॉरी ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हो, ये ऑप्टिकली एक्टिव, ये दो आइसोमर में एग्जिस्ट करें, कौन सा आइसोमर होगा, एक ये होगा, दूसरा इसका क्या होगा मिरर इमेज, मिरर इमेज कैसे बनाएंगे, मिरर अगर आप यहाँ रखें, मिरर यहाँ रखें, यहाँ पर मिरर, तो इमेज कैसे बनेंगे, यहाँ डैश यहाँ पर वेज, अच्छा मिरर हम यहाँ रखें यहाँ पर, ये वाला बॉन्ड कैसे, ये मिथाइल है ऐसे ना ऊपर, तो यहाँ पर भी मिथाइल कैसे दिखेगा, ये ऊपर और ये डैश, ये इमेज कब बनी, जब हमने मिरर यहाँ पर रखा, यहाँ पर मिरर रखा, ये अच्छा अगर हमने मिरर यहाँ रखा तो कैसे बनेंगे इसकी इमेज बताओ, इसे ऐसे बना सकते, इस पोर्शन में समय आप कभी देखिए, इस पोर्शन में समय अक्सर कम बिताया जाता है क्योंकि इस पोर्शन बच्चे को जल्दी समझ में नहीं आता, ये मिरर, ये मिरर इमेज कब बनेगी, जब ये बॉन्ड ऊपर की तरफ होगा ऐसे और मिरर आप यहाँ रखेंगे तो ये वहाँ पर डैश दिखेगा, बोलो बेटा, और जो पीछे है वहाँ क्या दिखेगा, वेज, अगर आप मिरर ऐसे रखेंगे यहाँ पे तो जो बॉन्ड ऊपर है ये वो वहाँ पर भी क्या दिखेगा, ऊपर जो पीछे है वो कहाँ दिखेगा बताओ, पीछे, ये दोनों इसके मिरर इमेज है, लिखने के तरीके अलग है, अच्छा बताएं ये ऑप्टिकली एक्टिव, ये क्या आइसोमर हो गया, दूसरा ये हो, खत्म कहानी, आप चाहे तो डायरेक्टली बता सकते थे, इसका अलग अलग नाम लिख के बता सकते थे, आप मुझे बताओ ये काइडल कार्बन है कि नहीं, बोलो काइडल कार्बन है तो क्या क्या संभावना है, ये भी आरएस की संभावना है, ये भी आरएस की संभावना है, इसकी नंबरिंग कहाँ से शुरू करें, ऊपर से या नीचे से, कहीं से भी कर सकते हैं, अच्छा चलो ये दोनों अगर आर हो जाए, दोनों ही आर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों अगर एस हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऊपर अगर आर हो जाए नीचे एस हो जाए इसकी नंबरिंग ऊपर होगी, बोलो अच्छा एस और आर करते तो नंबरिंग क्या होगी, नीचे से आर एस होगा, बोलो तो कितने आइसोमर बन गए, रिपीटेड हो गया, इसके तीन आइसोमर बन गए, एक बन गया आर आर, एक एस एस, एक आर एस, ये तीन आइसोमर, आप ऐसे ही बता सकते थे, एक साथ कई मेथड बता देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होगा आप लोग, अगला बताएं हम, अब हम बताएं कि जब ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हो जाए, इसको कॉपी कर लें, कर लिया, चेंज कर देते हैं, यहाँ पर एक मिथाइल कर दें, एक इथाइल कर दें, आप बताओ
यहाँ पे मैंने क्लोरीन कर दिया, यहाँ क्लोरीन, आईपीसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब इसकी नंबरिंग फिक्स है, दोनों जगह से नहीं कर सकते, ये फिक्स है, ये वन क्लोरो टू, हमेशा वन क्लोरो होगा टू मिथाइल होगा। अब इसका नाम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर पहले आर एस, दूसरा सॉरी सॉरी पहले दोनों को आर बना देते हैं, फिर दोनों को एस बना सकते हैं, फिर आर एस, फिर यहाँ आर एस और एस आर सेम नहीं होंगे क्योंकि आईपीसी मेथड के यहाँ चार आइसोमर्स बन जाए, बना लिया आपने, चूंकि मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल इसलिए सारे आइसोमर ऑप्टिकल क्या होंगे, थैंक यू। ये एक तरीका, नेक्स्ट तरीका, हम इसका सिस ट्रांस बनाते हैं, आपने इसका सिस बनाया, एक आइसोमर सिस बना, बोलो ये क्लोरीन मिथाइल एक तरफ सिस आइसोमर, इसमें हमने क्लोरीन और मिथाइल को अपोजिट कर दिया, तो कौन सा आइसोमर हो गया ट्रांस, चेक करो ऑप्टिकल एक्टिविटी इसमें, चेक करो बताओ, चेक करो बताओ, यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, पीवीएस है, तो यहाँ पर पीवीएस और सीवीएस दोनों क्या है, ऑप्शन है, ऑप्टिकली एक्टिव की जल्दी बताओ, ऑप्टिकली ऑप्टिकली एक्टिव, तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो ये इसका जो मिरर इमेज होगा वो बन जाएगा वो अलग, ये अगर डेक्स्ट्रो होगा, ये अगर प्लस होगा, इसका जो मिरर इमेज होगा वो क्या होगा, लीव होगा, सामने रख दो आप इसके मिरर, इमेज बना दो, इमेज कौन सी बनाए, मिरर यहाँ रख के बनाए या मिरर यहाँ रख के बनाए, बताओ मिरर यहाँ रख के बनाए, बना दो ऐसा कोई सा बना दे, तो एक काम करते हैं यहाँ पे मिरर रखना ज्यादा इजी, इसका ठीक उल्टा, पक्का क्या, हाँ कुछ गलती किया मैं, गलतियां तो कर रहा हूँ मैं भी, आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, यहाँ पर बताएं क्या करेंगे, इसमें ये वेज है, यहाँ क्या करें डैस, और डैस की जगह क्या करें वेज, पक्का चेक कर लो इनके कॉन्फ़िगरेशन, आप चेक कर लोगे तो बता दोगे, आपको बता दूं इसमें ये आर कॉन्फ़िगरेशन का है, ये एस है, ये आर, और ये आपका आर कॉन्फ़िगरेशन का है, ये आर, ये एस है, ये एस, अब आप भी सीख गए, आपने एक का निकाला दूसरे का उसके हिसाब से बता, पक्का हमें कितना बोला था बताओ, चार होने चाहिए, ये देखो पहला ये कौन सा है आर आर और एस एस, दूसरा क्या है बताओ आर एस और ऐसा, ये चार बन गया। मैं आपसे पूछूं इसमें पहला सवाल, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स एक्टिव मीजो जीरो, इसमें मैं पूछूं टोटल आइसोमर्स एक्टिव बोलो दो, इनएक्टिव पक्का मीजो पक्का, एक और सवाल हम इसका सामने इमेज बना दी, इसका ये वाला सिस बना दे, क्वेश्चन को परेशान करने का तरीका नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन को कैसे परेशान करेंगे और क्वेश्चन फिर हमें परेशान करें, ये तो यार जैसे नाई लोग बाल काटते हैं ना, ये वही वाली कहानी होगी मेरी, पी क्यू आर एस टी, इस साइड आइसोमर्स बिटवीन फॉलोइंग पेयर, पी क्यू पी आर पी एस क्यू आर क्यूएस आर एस, पी क्यू क्या आइडेंटिकल, टू ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड मिरर इमेज होते हैं उनको क्या कहा जाता है बताओ, ये आपस में आइडेंटिकल, वेरी गुड, तो पी क्यू आइडेंटिकल, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन पी का साथ, देखो ये सब सीस है और सीस के साथ कभी भी ट्रांस को मैच करेंगे तो याद रखना डायस्टीरियम में, तो आपसे बोलूं पी के साथ क्यू, पी के साथ आर, पी के साथ एस, क्यू के साथ आर, क्यू के साथ एस, ये सब क्या आपस में क्या है, ये डायस्टीरियम, लेकिन लास्ट में आर एस क्या, ये ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव, दोनों मिरर इमेज है कि नहीं दूसरे के, बोलो मिरर में देखना नहीं आता, तो आप चेक कर लो ये कॉन्फ़िगरेशन इसका जो होगा ये आर और ये आपका एस होगा, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन एस ये आर, एकदम अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन इनएंशियमर, नहीं आया समझ आपको तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, हेलो आपको समझना दोस्त, सबको पीछे वाले जो बात करें, पहला आइसोमर सुनो क्वेश्चन कठिन, मैं इसे पूछूंगा ऐसे, वन टू डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, दो इनएक्टिव आइसोमर, वन मीजो आइसोमर, एक इनएंशियमर पेयर, एक पेयर इनएंशियमर पेयर, एक पेयर, आया समझ आपको, कुछ भी सवाल पूछा आप जवाब दे देंगे ठीक, ऐसे यहाँ पर भी आप बता सकते हो, अब मेरे ख्याल से समझ आगे, थोड़ा आगे बढ़ाए क्वेश्चन को, थोड़ा टफ करें, अब आज हम जो एग्जांपल आप इसके जीआई इसके टोटल हमने आपसे जेमेटिकल आइसोमर में होमवर्क दिया तो हम दोनों काम एक साथ करते हैं, इसका जेमेटिकल आइसोमर भी बनाते हैं और साथ में इसमें ऑप्टिकल एक्टिव और इनएक्टिव भी बताते हैं, इसका जेमेटिकल आइसोमर अगर बनाएंगे तो पहले आप सभी क्लोरीन को वेज पर रखें, कहाँ रखें वेज पर, पहले बात एक और जानकारी यहाँ पर सुन लीजिए, इसको कहा जाता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन दिखती नहीं पर नाम बेंजीन है, ये पूछा जाता है बीएचसी बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड में बेंजीन नहीं है ठीक है, ओके यहाँ पर क्लोरीन को हमने वेज पर रखा, प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, यहाँ पर इसमें कई सारी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, या बीच से भी काट सकते हैं कहीं से भी काट सकते हैं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव, इनएक्टिव होगा याद रखना, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली तो एक आइसोमर बन गया, नेक्स्ट अगला हमने एक को डैश पे कर दिया, किसी एक को डैश पे कर दो, किसी एक क्लोरीन को, किसी भी क्लोरीन को डैश पे कर सकते थे मर्जी आपकी, हमने डैश पे कर दिया, आप मुझे बताओ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, बोलो देखो ये क्लोरीन और ये क्लोरीन एक बार में कट कर, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं, हम प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात बाद में करेंगे, पहले मेरी बात सुनो, चिल्लाओ मत, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ध्यान से सुनो, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इस क्लोरीन को और इस कार्बन को, इस क्लोरीन को, इस बॉन्ड को एक बार में काटे, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री है याद रखना, ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा इनएक्टिव, ये क्या हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, पक्का नेक्स्ट वो एक साथ कटना है, तो जो नीचे वाला भी है वो भी एक साथ में कटेगा, इसी क्लोरीन के नीचे जो हाइड्रोजन है ना, इस क्लोरीन को, इसके नीचे हाइड्रोजन को, इसके बॉन्ड को, इस वाले कार्बन को, इस वाले कार्बन को, इस बॉन्ड को, इस क्लोरीन को, पीछे हाइड्रोजन को एक बार में काटना, इसमें छह एटम एक साथ कटेंगे, ये क्लोरीन पीछे हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये क्लोरीन पीछे हाइड्रोजन, कहां से नहीं ऐसा नहीं, किसी को भी काट सकते हैं आप, बॉन्ड को भी काट सकते हैं, एटम को भी काट सकते हैं, जो एटम होता है वो एक प्रकार से सर्कल में होता है, आया समझ में, आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये सामने सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इसमें सामने कहां, ये वेज है तो ये वेज है ना, ये वेज है, ये वेज है, तो ट्रांस कंडीशन में नहीं, सामने वाले सारे तो ट्रांस कंडीशन में नहीं है ना, ठीक मत याद करो, ये कैसा होगा स्ट्रक्चर, कैसे बताएं आपको, समय नहीं ना अपने पास, इधर आओ, इधर जल्दी आओ, जल्दी नोटबुक लेके आओ, पेन लेके आओ, यहाँ खड़ो, जल्दी खड़ो, पकड़ो पेन, ये पेन पकड़ो जल्दी से, यहाँ पर पेन रखो, यहाँ पर फास्ट, ये अभी यहाँ रख बीच में, इसी के नीचे हाइड्रोजन, ऐसे यहाँ पर भी क्लोरीन हाइड्रोजन, इस क्लोरीन इस पेन को आधा काट दो, आधा उधर से आधा इधर, ये कार्बन को आधा काटो, हाइड्रोजन को आधा काटो, लाइन को आधा ले आओ,
ये वाले बॉन्ड को आधा राइट ले जाओ आधा लेफ्ट, हाइड्रोजन को भी जो है क्या करो यहाँ बीच से काटो, एक साथ में क्लोरीन, नीचे वाला हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये वाला कार्बन, ये क्लोरीन, हाइड्रोजन काटो, सामने वाले बॉन्ड एक जैसे, तो नीचे करके काटो भाई, इसको नीचे करो, नीचे करो, अब एक बार भी हाइड्रोजन को काटो, ये हाइड्रोजन को काटो, फिर नीचे वाला क्लोरीन काटो, फिर कार्बन काटो, फिर क्लोरीन काटो, राइट वाला पार्ट, नेट वाला पार्ट सेम होगा नहीं होगा, हो गया ना, तो नीचे ही दो टुकड़े होंगे, जो बॉन्ड नीचे होंगे दो टुकड़े होंगे, आधा टुकड़ा नीचे दाहिने, आधा टुकड़ा नीचे बाएं, नहीं समझा, देख भाई नीचे है ना, तो नीचे काटते, तो इस पेन को नीचे काटते हैं ऐसे, तो आधा नहीं, नहीं प्लीज हंसने की बात नहीं, उसके डाउट को दूर करना जरूरी है, उसका जेन्युइन डाउट है और कोई बात नहीं, अभी मैं इसे, लेकिन थोड़ी स्पीड तो स्लो होती है, तो बाहर भी पूछ लिया मेरे से, एक काम कर, आज मैं शाम को यहाँ पर आ जाऊंगा, तो तू अपने, आज मेरी क्लास है यहाँ पे 5:30 बजे, तो मैं यहाँ पे 4:45 पे आ जाऊंगा, 4:30 साढ़े 4 पे आऊंगा, तो तू अपने डाउट्स यहाँ पूछ लेना, ठीक है, सारे लोग आ सकते हैं, जिसको पूछना हो सब पूछ ले, मैं यहाँ पे बैठ जाऊंगा, एक घंटे पूरा बैठूंगा, यहाँ से काट दिया, नीचे वाले कोई काट बेटा, नीचे आधा इधर रहेंगे, आधा इधर रहेंगे, मैं कह रहा हूँ सेम पार्ट होना चाहिए, बस गोले को गोला नीचे की तरफ, आधा इधर काट दो, आधा इधर काट दो, एटम को एक प्रकार से बॉल मान लो, हाइड्रोजन टेनिस बॉल, कार्बन क्रिकेट बॉल, क्लोरीन को फुटबॉल, वॉलीबॉल जो मानने मान लो, आया समझ में, तो मुस्कुरा, तू मजा तो नहीं रहा मेरे, तो सब समझ में आ गया, बोला इस मास्टर बहुत बताता है, लाओ इसको जो है, इसको मजा लेते, यहाँ पर ये वाला क्लोरीन, ये कर सकता तू यार, ये जो नीचे की तरफ है ना, वो नीचे ही कट के, नीचे की तरफ आधा उधर आधा नीचे, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं भाई यहाँ पे, चलो अच्छा, सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए जो सामने वाला बॉन्ड है, ये सामने वाला बॉन्ड, ये क्लोरीन वेज है, ये क्लोरीन वेज है, तो सेम दिशा में है, तो हर लॉन्ग होना चाहिए, जैसे एक बॉन्ड में सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी ना, ऐसे हर तरफ सेंटर ऑफ सिमेट्री होना चाहिए एवरी बॉन्ड पे, अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं अपन सीखेंगे, क्या जैसे सीखेंगे, दो क्लोरीन को टेस्ट कर दिया, मतलब पीछे भेज दिया, तो बीच से काटोगे, हेलो बीच से काटोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, अब एक हो गई तो दूसरा देखो ना, छोटो सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक मिल गई ना, तो ठीक है, एक से काम चलाओ, ओके ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव, नेक्स्ट दो बन गए, तीन बन गए, मत भाई ये भी नाराज हो रहा है, चलो ठीक है, वापस फिर क्या करें, दो क्लोरीन को जो समय बहुत कम, दो क्लोरीन जो आमने, जो वन थर्ड पोजीशन वाले, इनको हम डाउन करें, बाकी को भेज रहे हैं, यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बताओ कहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये क्लोरीन को एक बार में हमें काटना, पता इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां से है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां से है, ऐसे आप ऐसे करके सब बनाएंगे, फिर इसके बाद वन और फोर पोजीशन वाले को बैक करो, वन एंड फोर, बाकी को भेज रहे हैं, दो कोई नहीं, बिल्कुल सही, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, कई तरीके से, दो तरीके से, एक यहाँ से भी है और यहाँ से भी है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, पक्का, तो याद रखना सारे अप प्लेन ऑफ सिमेट्री, सारे डाउन होंगे तभी प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक डाउन हुआ तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, दो डाउन वन टू वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री, वन थ्री वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री, वन फोर वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री, यही जो वन फोर वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, ये इसी को गैलेक्सी कहा जाता है, ये वाला गैलेक्सी, सिर्फ यही आइसोमर गैलेक्सी होता है, गैलेक्सी गैलेक्सी जानते हैं आप लोग, जो कीटनाशक होता है, इंसेक्टिसाइडल होता है, जो इंसेक्ट को मारने के काम आता है, फसलों में कीड़े लग जाते हैं, तो इसका छिड़काव करते हैं गैलेक्सी, ओके देखो ये क्लोरीन का, ये अल्फा आइसोमर डैश पे किया, बीटा आइसोमर हम छोड़ो, अल्फा बीटा का नाम नहीं लेंगे, बाद में करेंगे, पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, तेरे डाउट्स लिख लिया अभी, आज शाम को मेरे को मिलना, तू अभी सुन ले, आज शाम को मिलियो, नेक्स्ट तीन क्लोरीन को डाउन करें, देख बेटा समय अपने पास बहुत कम है, पेपर में नंबर आने के लिए मत पढ़ाई क्या करो, सब्जेक्ट सीखने के लिए पढ़ा करो, है ना, रख के नंबर 550 तक कर सकते हो, उसके ऊपर नंबर करने के लिए तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, ये हमने क्या किया, लगातार वन थ्री पोजीशन वाले को डाउन कर दिया, फिर हमने वन टू और फोर वाले को डाउन कर दिया, फिर हमने वन थ्री एंड फाइव वाले को डाउन कर दिया, ये जिसके चार ज्योमेट्रिकल इश्यूज हो गए, बोले बॉन्ड टेढ़ा है, कहां प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, नहीं कुछ कुछ बच्चे बोली देते हैं, एक्चुअली बच्चे ने एक बार मुझे घेर लिया, अजीब बेकूफ बनाते, कैसे टीचर को क्लोरीन में प्लेन ऑफ सिमेट्री कहां से हो गया, 10 ही हो गया, इधर लोगे मैं ना पता, कोई नहीं, वन मिनट, तीन को डाउन किया, तीन ऑप्शंस बने, 1 2 3 1 2 4 और इसमें किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, पास में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है और इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, क्योंकि आमने सामने वाले जो ग्रुप है वो ट्रांस कंडीशन में, आगे डाउट आपका, ठीक है, रोहित का डाउट है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, जल्दी बताओ, इसको बीच से काटोगे तो इधर डैश है, इधर वेज है, इसको कहीं से नहीं काट सकते, आप ट्राई कर लेना, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, क्योंकि इधर 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 वाले ग्रुप सेम तरह से सिस कंडीशन में है, आमने सामने वाला ग्रुप सिस कंडीशन में है, ये आमने सामने वाला सिस, ये आमने सामने वाला सिस, सिर्फ एक जगह ट्रांस कंडीशन है, पक्का, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, यही एक ऑप्टिकली एक्टिव है, और जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा वो दो आइसोमर्स में रहेगा, इसका एक होगा प्लस आइसोमर और दूसरा क्या होगा इसका माइनस, एक होगा डेक्स्ट्रो, दूसरा क्या होगा लीवो, डायगोनल कहां से बेटा, आप ट्राई करना नहीं आएगा, पेपर पे अच्छे से बना के ट्राई करना, ओके अगर इसको काट दोगे तो मैं 100 रुपए नाम दूंगा, ठीक है, इसमें बता, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहां से बीच से भी है, यहां से भी है, यहां से भी है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, याद रखना, और ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा इनएक्ट, ओके तो नौ आइसोमर हो गए ना, अच्छा बेंजीन एक्सक्लोइड, ध्यान से देखिएगा, पहला सवाल टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, टोटल जीआई 8, टोटल जीआई 8, टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर 2, ऑप्टिकली एक्टिव 2, टोटल काइरल आइसोमर 2, बोलो काइरल आइसोमर कितने होंगे 2, पक्का, अच्छा टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स व्हिच हैव बोथ प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री, अब इसके ये 8 आइसोमर्स में से कौन से हैं जिसमें पीओएस और सीओएस दोनों हैं, 2, एक ये है एक ये, पक्का, तो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, चलो इधर ट्राई करो, ये कर लोगे, ये कैसे करोगे, दो रास्ता, अच्छा इसकी नंबरिंग में, नंबरिंग में ये क्या नंबरिंग के भी कर सकते हो, आप चाहे तो आरएस करके भी बता सकते हो, या तो सिस्ट्रांस बना के बनाओ, इसका इसमें कितने कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे बेटा, कितने
ज्योमेट्रिकल कौन कौन सा, एक्सिस एक्ट्रांस, इसमें कौन ऑप्टिकली एक्टिव होगा बोलो, ये सिस ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव है, डिसिप्लिन ऑप्शन, और ये ऑप्टिकली क्या है बताओ एक्टिव, जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा वो कितने रूपों में होगा, दो रूपों में होगा ठीक है, ये प्लस इसका मिरर इमेज, यहाँ पर इसका मिरर इमेज कैसे बनाओगे, मिरर इमेज बनाने के दो रास्ते, मिरर कहाँ रखें, यहाँ रखेंगे तो ये डैश बना देंगे, ये वेज बना देंगे पक्का, ये वेज और ये पक्का, नेक्स्ट टोटल नंबर, टोटल स्टीरियो आइसोमर तीन, ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव मीजो पक्का, मैं टोटल आइसोमर तीन, एक्टिव दो, मीजो एक, टाइडल जितने सारे एक्टिव होते हैं, इसके डी आइसोमर कितने होंगे, एक्टिव का आधा, बेटा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, सबको आ रहा है समझ में, इसमें कैसे बनाओगे, पहले आपने सारे क्लोरीन को वेज किया एक आइसोमर, फिर किसी एक क्लोरीन को डैश कर दिया, क्या इसमें किसी में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, फिर दो को डैश करेंगे तो सेम बनेगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, जल्दी से बताओ है, अच्छा तो ऑप्टिकली क्या हो जाएगा इनएक्टिव, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऑप्टिकली क्या हो जाएगा इनएक्टिव, तो टोटल आइसोमर कितने बनेंगे, तो ध्यान से टोटल सीरियल आइसोमर्स, तो ऑप्टिकली एक्टिव जीरो पक्का, मीजो आइसोमर, ये सारे मीजो आइसोमर निकालेंगे, आया समझ में आपको, नेक्स्ट बढ़े हम लोग, इसमें बताओ नोट बांध लेना तुम्हारे पास रहेगा, इसमें कितने आएंगे बोलो, पहले तो सभी को वेज कर दो, सभी को डैश करोगे तो सेम चीज आएगा, नहीं सेम नहीं आएगा, सही बोला अभी हम आपको बता रहे हैं, सेम नहीं आएगा, उन्होंने सही बोला, सभी को वेज कर दो, फिर इसके बाद किसको डैश करो, एफ को डैश कर दो, और क्लोरीन और ब्रोमीन को वेज रहने दो, फिर अगली बार डैश किसको करें बोलो, क्लोरीन को डैश कर दें, और वेज किसको रहने दें, जल्दी से बता दो, क्लोरीन बाकी लोग को वेज, अगली बार डैश किसको करें बताओ पक्का, ब्रोमीन को डैश कर दें, अच्छा सभी आइसोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली, तो सबके कितने रूप होंगे बताओ, दो, इसके दो रूप, इसके दो रूप, इसके दो रूप, इसके दो, नहीं आया समझना, सभी ऑप्टिकली एक्टिव होंगे दो, अच्छा इसका दूसरा रूप कैसे बनाओगे, या तो मिरर ऐसे बना के ये इमेज ऐसी बना लो, या तो सारे स्थान पे क्या बना दो डैश, सेम टाइप का बना के हर स्थान पे डैश बना दो, इसकी मिरर इमेज में क्या करोगे, ये वेज और बाकी लोग क्या होंगे डैश, इसकी मिरर इमेज में क्या करोगे, ये वेज होगा बाकी लोग क्या होंगे डैश, इसकी मिरर इमेज में क्या होगा, ये वेज होगा बाकी लोग क्या होंगे डैश, नहीं आया समझ में, इसमें अब बना लेंगे, एक तो बनता है आपके लिए, एक तो आपके लिए बनता है क्या, दो डैश एक है, जो दो डैश वेज करेंगे ऐसे बन जाए, किसी में भी दो डैश वेज करेंगे, इनमें से कौन कोई बनेगा, इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो दो डैश एक वेज ही आएगा, अब ट्राई तो करो एक बार, नेक्स्ट इसमें कितनी आइसोमर्स होंगे, अब देखो अब थोड़े हम एक्सपर्ट हो रहे हैं तो हम तेजी से कर सकते हैं, सिस ट्रांस, सिस ऑप्टिकली इनएक्टिव, ट्रांस ऑप्टिकली एक्टिव, तो कितने रूप हो जाएंगे, थोड़े थोड़े स्मार्ट हम हो रहे हैं, अब स्पीड हमारी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, यहाँ पर भी दो आइसोमर्स बनेंगे, एक सिस एक ट्रांस, सिस ऑप्टिकली इनएक्टिव, ट्रांस भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो दोनों जीवन में अकेला ही बिताएंगे, दो आइसोमर्स, ध्यान से सुनियो, नेक्स्ट पहले इसके लिए टोटल आइसोमर्स कितने होंगे बोलो, तीन, मीजो वन, एक्टिव पक्का, इनिशियल मटेरियल रेसमिक मिक्सचर है सब बता सकते हैं पक्का, इसमें बताएं, इसमें टोटल एक्टिव नीजो जीरो, नीजो होने के लिए काइरल कार्बन होना जरूरी है, अब आपको ये हमेशा याद रखना है, टू बी मीजो सिस्टम शुड हैव काइरल कार्बन विद सिमेट्री, अगर ये नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा पक्का, तो टोटल दो, एक्टिव दो, मीजो दो, इनिशियल मटेरियल मीजो जीरो, इनिशियल मटेरियल रेसमिक मिक्सचर डाइसिरो मटेरियल, अंदाजा लगाओ तीनों कौन हो सकते हैं, क्वेश्चन थोड़ा कठिन पूछ रहा हूं मैं आपको, आर आर दूसरा एस एस तीसरा आई एस, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, देखो आर आर और एस एस हमेशा मेरे इमेज होंगे ठीक है, तो एक इसको इसके साथ पेयर बना दे, एक इसके साथ पेयर, तो दो पेयर डायस्टियर बना दे पक्का, ओके हाँ आप कुछ पूछ रहे नीचे, तो डायस्टीरोमर के लिए काइरल कार्बन होना जरूरी, अच्छा जिसके सिस ट्रांस होते हैं वो भी डायस्टीरोमर बनाता है, जिसमें कंफर्मेशन होते हैं वो भी डायस्टीरोमर बनाता है, डायस्टीरोमर होने के लिए काइरल कार्बन होना जरूरी पक्का, ये बताओ अब आप आराम से बता दें, थोड़ी एक्सपर्ट हो गए जल्दी बताओ, सिस प्लस ट्रांस, सिस ऑप्टिकली, ऑप्टिकली एक्टिव, ट्रांस ऑप्टिकली, तो कितने रूप होंगे, कुल चार रूप, इसके चार रूप होंगे, टोटल आइसोमर्स चार, एक्टिव नीजो एनिशियल पेयर दो पेयर, दो सॉरी रेसमिक मिक्सचर डायस्टीरोमर पेयर चार पेयर, ये निकालना पड़ेगा, ओके पक्का, इसमें टोटल दो, सिस ऑप्टिकली इनएक्टिव, ट्रांस ऑप्टिकली इनएक्टिव, मीजो हो नहीं सकता यहाँ पे, काइरल कार्बन तो है नहीं यहाँ पे, तो टोटल आइसोमर्स दो, ऑप्टिकली एक्टिव जीरो, मीजो जीरो, अच्छा इनएक्टिव पूछे तो दो पक्का, ये इसमें ये बी आर और सी एल को एक बार में काटना, ये सिस में भी कट जाएगा और ट्रांस में भी कट जाएगा, ये बता दो क्वेश्चन देखिए, यहाँ से क्या, यहाँ से ये वेज डैश हो सकता है, इसका आपका SP2 है, तो इसका जो प्लेन होगा वो बेंडीसी का प्लेन होगा, ये वेज डैश नहीं हो सकता, यहाँ आर एस की कोई संभावना नहीं है, यहाँ सिस ट्रांस की कोई संभावना, ये हमेशा इसी प्लेन में होगा जिस प्लेन में ये चारों बॉन्ड्स होंगे, तो याद रखिएगा, अब इसमें हम बनाएंगे इसके दो आइसोमर्स, एक हमने बनाया दोनों सीएल को सिस कंडीशन में और दोनों सीएल को ट्रांस कंडीशन, जल्दी बता दो प्लेन ऑफ सिमेट्री
है, सेंटर ऑफ सिमेट्री सॉरी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्यूएस नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं। देखो यहाँ से इधर तो सीएल अपोजिट है, पर ऊपर एक सीओ है, नीचे सीओ नहीं, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसमें दोनों नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव। जो भी एक्टिवली होगा क्या होगा, दो रूफ होंगे, एक ही होगा, दूसरा इसका मिरर इमेज। ये डबेज बना दो ये टेस्ट। आपसे कोई सवाल करें, इसमें टोटल आइसोमर्स तीन, मीजो एक, अच्छा ऑप्टिकली एक्टिव दो, इनेंसियमर पेयर एक, रेसमिक मिक्सचर एक, चलो ठीक है, डायसिमर पेयर दो पेयर एक, इसके साथ पक्का। आई थिंक ये बात आपको समझ में, तो अभी खत्म हो गया ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या होता है समझ, इस एक टफ हम नहीं जाने वाले हैं ना। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे जीओसी, लेकिन आप एक काम करें, पूरी डीपीपी आप